में है और जो जज्बात है उत्पीड़न शोषण के खिलाफ निश्चित रूप से धरने में बैठे हुए सभी भाई बहन बधाई के पास। अन्याय शोषण हुआ है, समाज का कोई कोई ना कोई व्यक्ति उसकी अगुवाई करके उस शोषण को समाप्त कराने का काम किया है। हमारे देश की आजादी से लेकर अब तक जहां भी अन्याय हुआ देश के अन्नदाता है हमारे पूर्वज, जमीन को उबड़ खाबड़ जमीन को बराबर करके और उस पर अपना रोजगार सृजन किया, देश दुनिया के लोगों को पेट भरने का काम किया, वही वो जमीन का किया जाए उसे सरकार न माने या सरकार के नुमाइंदे न माने, ये भी बहुत दुर्भाग्य है। मैं समाजवादी पार्टी के अपने सभी समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, नेताओं को धन्यवाद देता हूं कि आप इनकी परेशानी में खड़े हैं और आप निश्चित रूप से आगे आने वाले। इतने दिनों से इनकी माताएं बहनें अपने आवासों के बारे में, अपनी भूमि के बारे में, अपनी परेशानी को लेकर 90 दिन से ऊपर यहां तक धरने में बैठे। पूरे देश और प्रदेश के किसान आज परेशान है। जैसा अभी यहां पर सुबीर खलीफा साहब ने कहा कि किसानों के सामने बातों पर सफल होंगे, इन शुभकामनाओं के साथ आपकी इस ज्ञापन को, आपकी बात को मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को अच्छा से पहुंचाने का काम करूंगा और जो लोग आंदोलन में जेल गए हैं उनको भी मैं बधाई देता हूं कि आप संघर्ष में, आप अन्याय शोषण उत्पीड़न के खिलाफ आप जेल गए हैं, इसलिए आप भी बधाई के पात्र हैं। मुझे यहाँ पर भारतीय किसान परिषद के माननीय नेता गौर के नोएडा जिले में जो किसानों का शोषण उत्पीड़न हो रहा है और 90 दिन से ऊपर हमारे किसान लोग धरना दे रहे हैं, माताएं बहनें धरने पर बैठी हैं, सरकार को सुनना चाहिए, उनकी बात जायज़ है, जो सरकार ने समझौता किया उसी समझौते की बात हमारे किसान लोग कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन बातों को अनदेखा कर रही है, अनसुना कर रही है। हम समाजवादी पार्टी के अपने नेताओं को धन्यवाद देते हैं जो इस आंदोलन का समर्थन करते हैं और निश्चित रूप से माननीय श्री अखिलेश यादव जी तक ये बात पहुँचाएंगे और अगर विधानसभा दिसंबर में चलेगी तो इन दोनों बातों को, इनकी सभी किसानों की बातों को हम सदन में उठाएंगे।